जैसे ही मैं मोबाइल लेके आया था उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी जैसे वो रिस्टार्ट हो रहा था वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा था हैंग अप हो रहा था तो उसमें बहुत इशूज़ आ रहे थे वो बोलता रहा कि आप प्लीज या तो रिपेयर कर दीजिए या इसको रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि ये वारंटी में है लेकिन वो ये बोलते रहे कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है आपके मोबाइल में कोई इशू नहीं है जब आपका नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा आपके नए सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही मोबाइल हो में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दो में आईफोन का आईओ एस आया ऑपरेटिंग सिस्टम आया जब मैंने उसको अपडेट किया तो अपडेट करने पर वो मोबाइल बिल्कुल ही चलना बंद होगा उनको बोला कि प्लीज आप अब तो कम कर आ, तो उन्होंने तब भी उसको मना कर दिया फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में इनका कोई आधार नहीं लेकिन मैंने उसको प्रूव कर दिया की तीन साल में बहुत प्रॉब्लम में था और जब मेरा फोन चलना बंद हुआ तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा केस करने के बजाय इसलिए मैंने तभी केस किया कई बार मोबाइल फोन कोई खराबी निकल होंगी ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੱਜਲਖਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਣੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੋਜਵਾਨ ਰੁਪਾਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਰੁਪਾਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਮੈਂ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 7 256GB ਖਰੀਦਾ ਥਾ ये जनेजा क्रिएशन मॉडल टाउन से खरीदा था और जैसे ही मैं मोबाइल लेके आया था उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी जैसे वो रिस्टार्ट हो रहा था वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा था हैंग अप हो रहा था तो उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे तो उसके बाद मैंने एक दो दिन वेट किया पहले बोला कि देखते हैं कि इसमें टेम्प्री प्रॉब्लम है परमानेंट प्रॉब्लम है जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो मैंने उनके कस्टमर केयर पर कॉल किया जब मैंने उनके कस्टमर केयर पर कॉल किया तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये आप डाटा भेजिए वो डाटा भेजिए जैसे ही आपका रिस्टार्ट होता है उसी वक्त लॉग रिकॉर्ड कीजिए पूरा दिन उस पर फोन पे आप नजर रखिए किस वक्त हो रहा है तब भेजिए और जब भी मैं उनको कॉल करता था तब नए एग्जेक्टिव से कॉन्टेक्ट करवा देते थे वो अपनी नए सिरे से सारी प्रोसीडिंग शुरू करता था कभी ये डाटा मांगता था कभी वो डाटा मांगता था एक दिन मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मेरी सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिए मैं उनको अपनी जो सर्विस सेंटर में दिखाना चाहता हूं कि ये मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स किया मैं सर्विस सेंटर में गया वहां पे उन्होंने मेरा मोबाइल फॉर्मेट कर दिया और बोला कि अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उन्होंने मेरे को कोई सर्विस नहीं दी कोई कुछ नहीं दिया और मैं उसको लेके आया और मैंने साथ ही ईमेल भेज दी कि आ, मैं आपके सर्विस सेंटर गया था और उन्होंने मेरा मोबाइल फॉर्मेट करके बोला है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये मैं उसके बाद प्रॉब्लम जब नहीं सॉल्व हुई तो उनको मैं फोन पे कॉन्टेट करता रहा ई पे पर कॉन्टेक्ट करता रहा उनको ट्विटर पर कॉन्टेक्ट करता रहा कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है प्लीज मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए उनको बोलता रहा कि आप प्लीज या तो रिपेयर कर दीजिए या इसको रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि ये वारंटी में है लेकिन वो ये बोलते रहे कि यह सॉफ्टवेयर का इशू है आपके मोबाइल में कोई इशू नहीं है जब आपका

केस की हिस्ट्री बताई कि मैं स्टार्टिंग से आपके पास आ रहा हूं लेकिन उन्होंने तब यह बोला कि आपका ये है कॉल किया प्रॉब्लम समझाई उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैं आपको दो तीन दिन में बताती हूँ फिर मेरा टाइम वेस्ट किया अराउंड फोर फाइव डेज उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा जिसमें उनको बोला कि प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम अब तक कम कर आ, तो उन्होंने तब भी उसको मना कर दिया फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में गया और उनको वहाँ फाइल किया सारा केस खुद लड़ा पिटीशन भी मैंने खुद किया सब कुछ खुद लड़ा और मैं केस जीता और उनके ऊपर हरजाना लगा अच्छा, कितना समय केस चल दे जी दो हजार में मैंने अराउंड लास्ट क्वार्टर में केस किया था और आठ बारह दो को ऑर्डर डेट आई जो कल अठारह दिसंबर दो को ऑर्डर अपलोड हुआ है वेबसाइट पर अच्छा कोर्ट की फैसला किया है जी कोर्ट में फैसला आया है कि एप्पल मोबाइल एप्पल कंपनी मुझे, मुझे 51,800 जो मोबाइल की कॉस्ट है वो रिफंड करेगी 6 परसेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द केस करेगी 10,000 थाउजेंड फॉर द मेंटल हरासमेंट एंड एगनी और 5,000 थाउजेंड एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस मुझे रियो देगी अच्छा करीब इकवंजा हजार रुपये का मोबाइल खरीदा तो हमने किन्नेड एट हंड्रेड पूरे ही पैसे वापस मिलेंगे साथ में कॉम्पनसेशन दस हजार का मिलेगा साथ में पांच हजार तो के सत्तर कुछ हजार रुपए के करीब पैसे मिल गए अकाउंट आगे जी उनको ऑर्डर है 45 डेज के अंदर जिनको उनको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो वो देंगे मुझे। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਸੀਏ ਮੈਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2011 ਮੈਂ ਸੀਏ ਮੈਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਥਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸੀਏ ਐਮਬੀਏ ਸੀਐਫਐਮ ਐਫਐਡੀਸਾ ਵੀ ਕਮ ਆਨਰ ਹੂੰ ਮੂਝੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਜੋ ਹਮੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਕ पूरा सपोर्ट करती है कंज्यूमर्स को और पब्लिक को कि ऐसे ब्रांड्स जब बड़े-बड़े ब्रांड्स बड़े आपके साथ गलत करते हैं तो आपके पास पूरा हक है आपके पास पूरा राइट है कंज्यूमर कोर्ट में और गवर्नमेंट के पास जाने के लिए और वो आपकी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन जरूर करते हैं अच्छा जी मैंने तो उसी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ जी मैंने ये आधार बनाया क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंसेस थे कि मैं उनको डायरेक्ट तीन साल पूरे कांटेक्ट करता रहा ईमेल पे कांटेक्ट करता रहा ट्विटर पे कांटेक्ट करता रहा हर जगह कांटेक्ट करता रहा टेलीफोन पे भी मेरे पास सारा प्रूफ था जिसको मैंने आधार बनाया वो ये कह रहे थे एप्पल कंपनी ये कह रही थी कि तीन साल बीत चुके हैं ये इन्होंने तीन साल बाद केस किया है इनका कोई आधार नहीं लेकिन मैंने उसको प्रूफ कर दिया कि तीन साल मैं बहुत प्रॉब्लम में था और जब मेरा फोन चलना बंद हुआ तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा केस करने के बजाय इसलिए मैंने तभी केस किया